2019 में लॉन्च हुई महिंद्रा XUV 300 में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं अब तक 2022 में, तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। ये 2022 का मॉडल है XUV 300 का W8 वेरिएंट। टोटल इसमें आपको चार वेरिएंट्स मिल जाते हैं, W4, W6, W8 और W8 ऑप्शनल वेरिएंट। और ये जो हमारे पास खड़ा हुआ है ब्लैक कलर में W8 वेरिएंट है, तो आज कंप्लीट में डिटेल्स में हम इसी की बात करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले चाबी से। तो इसमें आपको दो चाबी मिल जाती हैं सेम ऐसी ही, और ये आपको फ्लिप की मिल जाती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक के बटन्स मिल जाते हैं, और सेंटर में आपको बूट ओपनिंग का बटन मिल जाता है, और ये आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है, और पीछे की तरफ थोड़ा टेक्सचर का यूज़ किया गया है, और महिंद्रा का लोगो है वही पुराना वाला, और सेम ऐसी ही इसकी की दूसरी भी मिल जाती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले सेंटर से। तो इसमें आपको सेंटर में महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, और जो ऊपर की रेडिएटर ग्रिल है इसमें आपको देख सकते हैं काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, और ये ऊपर की तरफ पूरी लाइन है और नीचे काफ़ी डॉट्स में क्रोम का यूज़ किया गया है। नीचे की तरफ जो रेडिएटर ग्रिल है उसमें आपको सिल्वर कलर का फिनिश का यूज़ किया गया है, ऑप्शनल वेरियंट में क्रोम का यूज़ किया गया है, और ये आपको चिनगार्ड मिल जाती है जो कि सिल्वर कलर की फिनिश में दी गई है। हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो इसमें आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर, और सबसे सुंदर सी दिखने वाली इसमें आपको DRL भी मिल जाती है। नीचे की तरफ इसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में फॉग लैम्प मिल जाते हैं दो। तो ये था फ्रंट का लुक, आइए चलते हैं साइड में और बात कर लेते हैं सबसे पहले टायर प्रोफाइल की। इसमें आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिनका डिज़ाइन 2022 में एक बार चेंज हुआ है। और बात कर लेते हैं इसके टायर सेक्शन की, तो इसमें आपको 205/65 R16 इंचेस के नॉर्मल अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और ब्रेक्स की बात करें तो इसमें अभी भी आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं जो आगे की तरफ और पीछे की तरफ आपको हर वेरिएंट में अभी भी स्टैंडर्ड है। ORVMs की बात करें तो इसी पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ऊपर वाला पार्ट आपको बॉडी कलर्ड है, और ये आपको रफ ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। और डोर पे ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है क्योंकि गाड़ी पुश स्टार्ट है, और इसमें आपको जो सेंटर पिलर है वो आपको खाली मैट फिनिश में मिल जाता है, और जो ए पिलर और सी पिलर है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में अभी भी मिल जाता है। और ऊपर की तरफ बात करें तो इसमें आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं जो कि बॉडी कलर्ड हैं। और पीछे से बात करें सबसे पहले तो इसमें आप देख सकते हैं सेंटर में इसमें आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, और विंडशील्ड पे आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर के सारे ऑप्शन इसी पे मिल जाते हैं, और वॉशर आपको इसी में इंटीग्रेटेड मिल जाता है, और यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, गाड़ी 4-स्टार्ड है। और ऊपर की तरफ बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल एंटीना मिल जाता है, किसी भी तरीके की शार्फिन एंटीना का यूज़ इसमें नहीं किया गया है। ये आपको टेल लैंप मिल जाते हैं काफ़ी सुंदर से दिखने वाले, ये आपको ऑलवेज ऑन में मिल जाते हैं जब गाड़ी रात के समय, और ये आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लैंप आपको अभी भी हलोजन वेस्ट मिल जाती है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट प्रोविज़न मिल जाता है, और उस साइड आपको वेरिएंट की बैजिंग मिल जाती है कौन सा ये वेरिएंट है, W8 वेरिएंट है, और इस तरफ आपको XUV 300 की बैजिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ इसमें आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं दोनों साइड, और इसमें भी आपको सिर्फ दो ही तरफ रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कि आपको एक उस साइड और एक इस साइड आपको दिया गया है। नीचे की तरफ इसमें आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी गई है, और रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। और फ्यूल टैंक की बात करें तो वो आपको लेफ्ट साइड मिल जाता है। तो ये सब थे XUV 300 के एक्सटीरियर, आइए चलते हैं इंटीरियर की तरफ और बात कर लेते हैं इंटीरियर में आपको क्या क्या इसमें फ़ीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को हम अनलॉक कर लेते हैं, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, इसी से गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो सबसे पहले ड्राइवर सीट की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल भी सेट कर सकते हैं, और ये आपको सारे एडजस्टमेंट इसमें मैनुअल मिल जाते हैं। फ्यूल लिड ओपन करने का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। तो सबसे पहले चाबी रख के एक बार इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं, मैं आपको इसका एनिमेशन दिखा देता हूँ एक बार, आप देखिएगा दोनों सुइयाँ एक बार ऊपर की तरफ फुल वे जाती हैं, उसके बाद डाउन नीचे आ जाती हैं, और इस तरफ आपको RPM मीटर मिल जाता है, इस तरफ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है जिसमें 220 तक मार्किंग की गई है। सेंटर में इसमें आपको DIS मिल जाती है जिसमें ट्रिप ए, ट्रिप बी, इंजन हीटिंग, फ्यूल, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी में शो करता है, और ऊपर की तरफ इसमें आपको टाइम शो करता है, और इस तरफ आउटसाइड टेम्परेचर भी शो करता है। और स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये आपको नॉर्मल सर्कुलर स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, सेंटर में महिंद्रा का लोगो, और इस तरफ आपको ऑडियो से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इस तरफ आपको क्रूज़ कंट्रोल के सारे बटन मिल जाते हैं, और ये आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और इस तरफ आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी मिल जाते हैं। और स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है, और टेलीस्कोपिक ऑप्शन इसमें नहीं आता है, और यहाँ पर लीवर दिया गया है, यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं डोर पैनल के बारे में, तो इसमें आपको ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, और जो ड्राइवर साइड विंडो है वो आपको ऑटो डाउन और ऑटो अप फंक्शन के साथ मिल जाती है, आपको खाली एक बार प्रेस करना है और विंडो अप हो जाएगी,
और नॉर्मल इसको एक बार प्रेस कर दीजिए, विंडो डाउन हो जाएगी। और पीछे की तरफ इसमें आपको चाइल्ड लॉक के स्विच मिल जाते हैं जिससे आप पावर विंडोज़ लॉक कर सकते हैं सारी। और आगे की तरफ इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं और फोल्डिंग का ऑप्शन भी आपको यहीं पर इसमें मिल जाता है। इसी को आप प्रेस करके फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से कर सकते हैं। और किसी भी तरीके के लॉक अनलॉक पे ये फोल्ड नहीं होते हैं। ये आपको डोर लीवर मिल जाता है जिसमें आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है, ये लॉक अनलॉक का यहाँ बटन इसमें मिल जाता है। और बात कर लें नीचे की तरफ तो इसमें आपको दो बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, एक बड़ी बॉटल आ जाएगी, चूसी छोटी बॉटल आ जाएगी। और यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर का स्पेस भी मिल जाता है। और स्पीकर आपको यहाँ इसमें मिल जाता है, ट्विटर का ऑप्शन आपको इसमें आगे की तरफ ही मिल जाता है। और सेंटर में बात कर लें तो इसमें आपको 7 inches का टच स्क्रीन मिल जाता है, जो जब ये बंद होगा तो नॉर्मल इसमें आपको डेट और टाइम इसमें शो करेगा। सेंटर में इसे दबा के हम इसमें ऑन कर सकते हैं। और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सारे फीचर मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कार इन्फो, सेटिंग सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। एक बार हम चलते हैं सेटिंग में तो इसमें आपको साउंड, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ से आप इसमें ब्राइटनेस, वॉलपेपर कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ से यूज़र नेम या कुछ भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कुछ बटन दिए गए हैं जिससे आप क्विक एक्सेस कर सकते हैं इसमें। और इस सेंटर में ये वॉल्यूम नॉब मिल जाती है, यहीं से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी में के अंदर यहाँ पर आपको पावर बटन भी मिल जाता है, ठीक उसके नीचे आपको हज़ार्ड लैंप का बटन मिल जाता है। और ये आपको कुछ बटन्स यहाँ भी मिल जाते हैं, जैसे आप ट्रिप सेट करना चाहें तो आप यहीं से इसको कर सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी स्टेयरिंग में कंट्रोल नहीं है और कोई आगे की तरफ भी कोई कंट्रोल नहीं दिया गया है, नॉर्मल आपको यहीं से बटन दिए गए हैं, यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो यहीं से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल स्पीड भी शो करता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है तो आपको सारी इसमें दिखा रहा है। फ़िलहाल तो किसी में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है, 1-2 PSI का अंतर आ जाता है। और नीचे की तरफ बात करें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ आपको बटन मिल जाते हैं जिससे आप यहाँ से इसमें सेट कर सकते हैं। और सेंटर में आपको ये नॉब मिल जाती है जिससे आप फ़ैन की स्पीड वगैरह यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। AC का बटन और ऑटोमेटिक का बटन आपको इसी में मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करें तो ये आपको एक रबर पैड मिल जाता है जिसमें आप चाबी वगैरह आराम से इसमें अपनी रख सकते हैं। और ठीक उसके बगल में आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है 12 volt का। और गाड़ी आपको मिल जाती है 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ और ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। ये आपको क्रोम टिप फिनिश में हैंड ब्रेक मिल जाती है, यहाँ पर आपको 2 cup holder मिल जाते हैं और सेंटर में इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। और इसके नीचे भी स्टोरेज स्पेस काफ़ी डिसेंट साइज़ की मिल जाती है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कुछ मैट टाइप की रखी हुई है जिसमें थोड़ा सा आप सामान रखेंगे तो स्क्रैच लगने के चांसेस कम हैं। और ऊपर की तरफ बात करें तो ये आपको मैनुअल एडजस्टेबल IRVM मिल जाता है डे एंड नाइट, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और सनवाइज़र की बात करें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ लाइट के साथ। और ड्राइवर साइड बात करें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ लाइट के साथ, जैसे ही ओपन करेंगे ये लाइट जल जाएगी और बंद करते ही लाइट बंद हो जाएगी। और यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है और यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प मिल जाती है जो कि अभी भी हलोजन बेस्ड हैं, किसी भी तरीके का वाइट लाइट LED का यूज़ इसमें नहीं किया गया है। सेंटर में इसमें बटन मिल जाता है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं डोर के खुलने पे लाइट जले कि ना जले। और ये आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है जो भी रबरी इफेक्ट दिया गया है, जो कि सही है, स्क्रैच प्रूफ थोड़ा रखेगा अपने सनग्लासेस को। और ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं तीनों साइड, ड्राइवर साइड इसमें नहीं मिलता है। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस ऊपर की तरफ मिल जाती है और नीचे की तरफ भी इसमें स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और ये जो ग्लव बॉक्स है ये आपको कूलिंग के साथ नहीं मिलता है, ना ही किसी प्रकार की इल्यूमिनेशन का इसमें यूज़ किया गया है। और ड्राइवर साइड पैनल की बात करें तो पावर विंडो का बटन मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ये मिल जाता है और ये वाला पार्ट सॉफ्ट टच में दिया गया है जो कि आर्मरेस्ट को काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो ये सब था आगे से, एक बार आइए चलते हैं पीछे की तरफ और बात कर लेते हैं रियर सीटिंग कंफर्ट के बारे में और स्पेस के बारे में। तो उससे पहले मैं ड्राइवर साइड सीट अपनी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूं और उसके बाद चल के पीछे का स्पेस इसमें चेक करते हैं। एक बार मैं सीट की हाइट भी थोड़ी सी ऊँची कर लेता हूं और फिर इसको एडजस्ट करके चलते हैं पीछे की तरफ। तो बात कर लेते हैं रियर सीटिंग कंफर्ट की, तो इसकी सीट का कंफर्ट काफ़ी सही है। और लेगरूम की बात करें तो आप लेगरूम देख सकते हैं और हेडरूम भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल रहा है, मेरी हाइट 6 feet है उसके लिए मुझे हेडरूम काफ़ी सफिशिएंट मिल जाता है।
और पीछे आपको डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं जो कि आपको दोनों साइड मिल जाती है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। और इस तरफ आपको सिर्फ पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, स्पीकर यहाँ मिल जाता है, ट्विटर आपको पीछे नहीं मिलते, सिर्फ इसमें आपको 4+2 का सेटअप मिल जाता है, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर। क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर और प्लस इसमें आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है जो कि कुछ गाड़ियों में मिसिंग रहती है, इसमें आपको दी गई है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो मैं आगे से बताना भूल गया था, और जिसमें आपको सीट बेल्ट मिलती है वो आपको ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलती है, आप इसे यहीं से प्रेस करके अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर आपको वेट टांगने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, और सेंटर में इसमें आपको रीडिंग लैंप मिल जाती है, अगेन इसमें हलोजन लैंप ही मिल जाती है। और हेडरेस्ट की बात करें तो इसमें आपको चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, पीछे की तरफ 2 और आगे की तरफ जो 2 मिल जाते हैं वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और किसी भी तरीके का सेंटर आर्मरेस्ट का यूज़ इसमें नहीं किया गया है। और ये जो सीट्स मिलती हैं आपको 60-40 फोल्डेबल मिल जाती हैं। तो ये सब था गाड़ी के रियर से, आइए चलते हैं एक बार पीछे की तरफ और बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। और बूट स्पेस ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है जिसे आप दबाएंगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा। और बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 257 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है जो कि सफिशिएंट है, ज़्यादा कम भी नहीं कहूँगा मैं इसे। अंदर का स्पेस बढ़ाने के लिए बूट स्पेस पीछे थोड़ा सा कम है, दूसरी कॉम्पिटिशन में गाड़ियाँ कुछ ऐसी हैं जो और भी ऑफर कर देती है, मगर मुझे इसका बूट स्पेस सफिशिएंट लग जाता है। और 60-40 स्पीड आपको सीट्स मिल जाती हैं। और स्पेयर व्हील की बात करें तो ये आपको नीचे की तरफ मिल जाता है, प्रॉपर टूल किट इसी में इंटीग्रेटेड है। और इसका साइज़ मैं आपको बता दूं, फ़िलहाल तो इसको निकालना पड़ेगा, मैं इसका साइज़ आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। और किसी भी तरीके की बूट लैंप नहीं मिलती आपको किसी भी साइड, ऑप्शनल वेरिएंट में यहाँ पर आपको बूट लैंप मिल जाती है। और यहाँ ऊपर की तरफ इसमें आपको हैंडल मिल जाता है जिसे पकड़ के आप बूट को बंद कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था इसका इंटीरियर एक्सटीरियर, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर दीजिए।